नमस्कार, मैं सीएस पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र। तो बच्चों, दाहिनी ओर आप पाठ्यपुस्तक देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र, और इसके दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं उसी में पीछे का जो भाग है नागरिक शास्त्र का है इस पाठ्यपुस्तक में, और जो कि दाहिनी ओर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यस बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम देखेंगे चौथा पाठ, नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं भाग एक, यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज पार्ट वन की हम बात करेंगे। तो बच्चों, मैं सीएस पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर एमसीजीएम मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो यस बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं चौथा पाठ, नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की बात करेंगे। तो बच्चों, जिसमें आज हम देखने वाले हैं, जैसे नगर पंचायत की बात करें, नगर परिषद की बात करें और महानगर पालिका की बात करें। तो बच्चों, नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में इस अगर घटकों की बात करें तो ये तीन घटक हैं, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका है। तो बच्चों, हम आपको पॉइंटर की मदद से बताएं कि इस पार्ट वन में जो हम पढ़ने वाले हैं, इस बच्चों हम नगर पंचायत की बात करेंगे और नगर परिषद की बात करेंगे इस, और दूसरे भाग में यानी पार्ट टू में हम महानगर पालिका के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। यानी बच्चों, यह पार्ट दो भागों में होने वाला है। तो पहले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, नगर पंचायत और नगर परिषद की बात करेंगे, और बच्चों दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे महानगर पालिका के बारे में। तो चलिए बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अभी हम आगे बढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का हमने बच्चों अध्ययन किया है। इस पाठ में हम नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही की है। इस बच्चों, तो नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में नगर पंचायत, नगर पालिका व महानगर पालिका का समावेश होता है, जिसमें आज हम नगर पंचायत और नगर पालिका के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। आइए बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों, हमारे देश में नगरों की संख्या अधिक है, यानी नगर तेजी से बढ़ रहे हैं। गांव हमारे अगर कुल दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी अगर रहने के दृष्टिकोण से देखा जाए बच्चों, तो गांव की संख्या अधिक है, लेकिन नगरों की संख्या जो है काफी तेजी से बढ़ी है, यानी लोगों का झुकाव नगरों की ओर बढ़ा है, नगर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव जो है, गांव में धीरे धीरे भारत को बच्चों पहले गांव का देश कहा जाता था, अभी भी गांव का देश है, लेकिन जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ी है, नगरों की ओर बढ़ी है। तो उसके तमाम कारण हैं, कुछ कारणों की भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो हमारे देश में नगरों की संख्या यानी जो बढ़ रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। गांव से छोटे नगर, तो देखिए जनसंख्या किस तरह से बच्चों, जैसे गांव है, गांव में जनसंख्या की बात करें, फिर धीरे धीरे सुविधाएं किस समय के साथ जो है सुविधाओं का बढ़ना, तो गांव से छोटे नगर, फिर छोटे नगर से किस छोटे नगर, फिर उसके बाद और उससे बड़े नगर, फिर उसके बाद नगरों का महानगर में परिवर्तन होता चला जा रहा है। इस बच्चों, देख सकते हैं किस तरह से गांव, फिर इसके बाद गांव के आगे छोटे नगर, फिर इसके बाद उससे और बड़े नगर, और बाद में किस तरह से महानगर में वह तब्दील हो जाता है। नगरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है। इस बच्चों, अगर नगरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें बच्चों, तो वहां का स्वरूप जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो यस बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। नगरों में सुविधाएं और समस्याओं की हम बात करें बच्चों, तो
यस, नगरों में सुविधाएं और समस्याओं की अगर बात करें तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, नगरों में सुविधाओं की बात करें तो बच्चों बाईं ओर आप देख सकते हैं, जैसे उद्योग की बात करें, जो सिटीज की बात कर रहे हैं, नगरों की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें उद्योगों की अगर बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तथा तो व्यवसाय के अवसर, यानी जिस कारोबार व्यवसाय करने के, धंधा करने के जो अवसर हैं वो उपलब्ध होते हैं, तो नगरों की बात हो रही है। तथा तो बढ़ते सेवा क्षेत्र, जिस नगरों के बढ़ते सेवा क्षेत्र तथा तो बड़े पैमाने पर रोजगार का उपलब्ध हो पाना, नगरों की हम बात करें, ये सुविधाओं की बात हो रही है, नगरों में सुविधाएं। इसके साथ साथ मनोरंजन, कला, साहित्य आदि समस्या, इस जो सुविधाओं की अगर बात करें तो ये सुविधाएं हैं। इस और अगर हम समस्याओं की बात करेंगे तो अपर्याप्त आवास, यानी एक समस्या की अगर हम बात करें, अपर्याप्त आवास की समस्या, राइट, तो ये बच्चों आप इसे समस्या के सेक्शन में देखने वाले हैं, अपर्याप्त आवास समस्या। इसके साथ यानी हम अगर समस्याओं की बात कर रहे हैं तथा स्थान का अभाव, इस बच्चों नगरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो आवास की समस्या, इसके साथ साथ स्थान की अर्थात जो उपलब्ध स्थान है उसकी कमी हो जाती है, तथा यातायात जाम की समस्या, जिसे ट्रैफिक जाम कहते हैं बच्चों, तो ट्रैफिक जाम यातायात की जो समस्या है वो बड़े पैमाने पर होती है, घंटों घंटों आप देखते हैं नगरों में जाम की स्थिति रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों का जाना आना जाना कितना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ कूड़े के निपटारे की समस्या, ये बच्चों कूड़े के निपटारे की समस्या, राइट, तो बच्चों ये समस्या शब्द यहाँ पे है, कूड़े के निपटारे की समस्या, यानी जो कूड़ा निकलता है, नगरों में ज्यादा लोग रहते हैं, जब ज्यादा आबादी रहती है तो स्वाभाविक है कि कूड़ा कचरा भी अधिक निकलता है, तो उसके निपटारे की समस्या विकट रहती है। इसके साथ साथ यस, अगर नगरों की बात करें तो नगरों में अधिक जनसंख्या के कारण अपराध भी बढ़ते हैं, तथा अस्वच्छ झुग्गियों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या रहती है, तो नगरों में ऐसी स्थिति होती है जहां पर लोग झुग्गी झोपड़ियां यानी स्लम एरियाज बना करके रहते हैं, तो बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां होती हैं तो वहां भी जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए जो नागरिक सुविधाएं हैं जिस बच्चों उसे उपलब्ध कराने में जिस स्थानीय प्रशासन को बहुत यानी तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों तुलनात्मक रूप में हम नगरों में सुविधाओं की बात कर रहे थे और नगरों में समस्याओं की भी हम बात कर रहे थे। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम नगर पंचायत की बात करेंगे। नगर पंचायत, नगर में रूपांतरण होने की प्रक्रिया जिन गांवों में चलती है वहां नगर पंचायत हो। इस बच्चों अगर नगर पंचायत की बात करें, नगर में रूपांतरण होने की प्रक्रिया जिन गांवों में चलती है वहां नगर पंचायत होती। इस बच्चों आइए हम कुछ स्थानों की बात करें। कुछ स्थान हम ऐसे भी देखते हैं जो कि न तो पूर्णतः ग्रामीण होते हैं और न ही नगरीय होते हैं, तो नगर पंचायत वहां की स्थानीय शासन संस्था होती है। बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर नगर पंचायत की बात करें तो एक उदाहरण आपको बाईं ओर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो नगर पंचायत वहां की स्थानीय शासन संस्था होती है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही बच्चों ये ध्यान रखना है कि अन्य स्थानीय संस्थाओं के अनुसार नगर पंचायत के भी चुनाव प्रति 5 वर्षों में होते हैं, राइट, तो नगर पंचायत के चुनाव भी बच्चों प्रति 5 वर्षों में होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों विचार विमर्श करेंगे, आइए नगरों को ग्रसने वाली प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, यानी नगरों के लिए जो समस्याएं की हम बात करें तो जैसे समस्या की बात करें, एम्बुलेंस जिसे रुग्णवाहिका कहते हैं बच्चों, तो एम्बुलेंस का हॉर्न ऊंची आवाज में बज रहा था और उसे खुला रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बच्चों अक्सर आप नगरों में ऐसी स्थिति देखते हैं जहां पर एम्बुलेंस तक को जाने के लिए रास्ता नहीं होता, आपने हॉर्न सुना होगा एम्बुलेंस का, जिसकी एम्बुलेंस के हॉर्न
यानी एम्बुलेंस जा रही है, अगर किसी पेशेंट को लेकर के, तो उसे रास्ता मिलना चाहिए। इस तरह का बच्चों नियम है, उसे रास्ता दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि उसे खुला रास्ता नहीं मिल पाता, तो जो पेशेंट है एम्बुलेंस के अंदर, उसकी स्थिति अगर बिगड़ रही है तो वो परेशानी का कारण बन सकता है। तो ऐसी स्थिति नगरों में होती है जहां पर बहुत अधिक ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस तक को भी खुला रास्ता नहीं मिलता, इससे दिक्कत होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों ये समस्याओं की बात हो रही है, नगरों की प्रमुख समस्याओं की बात हो रही है। और भाई हम बात करेंगे बच्चों स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं भीड़ लगी हुई है, लोग ठंडे कलसी लेकर के इकट्ठा हैं, और आप देख रहे हैं बच्चों टैंकर आपको दिखाई दे रहा है, पानी का टैंकर। तो ऐसे नगरों में स्थिति होती है बच्चों जब पानी की कटौती के निर्णय के कारण पानी के टैंकर जो है, जब पानी की कटौती होती तो पानी के टैंकर भेजे जाते हैं लोगों को पानी के लिए, और ऐसे में कितनी विकट परिस्थिति हो जाती है नगरों में, देख सकते हैं लोग किस तरह से लाइन लगा करके जिस अपने पीने के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, ऐसे में जब पानी की कमी होती है, पानी की सप्लाई में कमी होती है, तो इस तरह की दिक्कत नगरों में आती है। इसी तरह से बात करें बच्चों उद्यान में छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जा रही थी, तो यहाँ भी समझ सकते हैं कि बगीचा जो उद्यान की हम बात करें गार्डन की बात करते हैं, तो वहां भी जिस छोटे बच्चों की बात करें या वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन अधिक जनसंख्या के कारण ये भी एक समस्या होती है कि गाड़ी में कभी कभी देखते हैं कि बहुत अधिक भीड़ होती है और जो वरिष्ठ हैं उन्हें भी उन्हें बैठने तक की जगह कभी कभी नहीं मिल पाती, तो एक समस्या की बात हम कर रहे हैं। चलिए बच्चों इसी तरह से और आगे हम बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, आइए नगर पालिका की हम बात करेंगे। तो बच्चों द म्यूनिसिपल काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए बच्चों नगर पालिका यानी जिसे इंग्लिश में द म्यूनिसिपल काउंसिल कहा जाता है, छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। तो छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही नगर पालिका का चुनाव प्रति 5 वर्षों में होता है, इस बच्चों नगर पालिका का चुनाव प्रति 5 वर्षों में होता है, यह हमें ध्यान रखना है। तथा निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में कार्य करते हैं। तो बच्चों नगर पालिका को आप सुन रहे हैं यानी द म्यूनिसिपल काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, नगर पालिका का चुनाव प्रति 5 वर्षों में होता है और निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में कार्य करते हैं, वे अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। इस बच्चों तो वे अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, बच्चों बात कर रहे हैं नगर पालिका की। तो इस बाईं ओर स्क्रीन पर एक उदाहरण आप नगर पालिका का देख पा रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं नगर पालिका की, द म्यूनिसिपल काउंसिल की बात कर रहे हैं। नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगर पालिका का अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिए बच्चों नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगर पालिका का अध्यक्ष करता है, वह नगर पालिका के कार्यों का नियमन करता है। इस बच्चों नगर पालिका के जो कार्य हैं उनका नियमन, इस बच्चों उनकी प्लानिंग उनका नियोजन, नगर पालिका के आर्थिक व्यवहारों पर ध्यान रखता है। इस बच्चों तो नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका के कार्य का जो कार्य है उनका नियमन करता है, नगर पालिका के आर्थिक व्यवहारों पर ध्यान रखता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य चलाता है, राइट। तो किसी कारणवश अगर इस बच्चों नगर में अध्यक्ष नहीं है तो उनकी जगह जो कार्य करते हैं यानी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करते हैं, इस बच्चों तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं नगर पालिका द म्यूनिसिपल काउंसिल की बात कर रहे हैं। नगर पालिका को कुछ कार्य करने आवश्यक होते हैं जिन्हें अनिवार्य कार्य कहा जाता है, जिस बच्चों म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें तो नगर पालिका को कुछ कार्य करने होते हैं जो कि आवश्यक कार्य होता है जिन्हें अनिवार्य कहा जाता है, वह कार्य नगर पालिका को करने ही होते हैं।
जैसे बात करें बच्चों सार्वजनिक सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करना, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता और मल निस्तारण की व्यवस्था, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण करना, ये इत्यादि कार्य बच्चों ये हम समझ सकते हैं कि अनिवार्य कार्यों में शामिल हैं। तो सार्वजनिक सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करना, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता रखना, मल निस्तारण की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु विवाह आदि का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना, ये बच्चों तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये कार्य जो है आवश्यक कार्य यानी अनिवार्य कार्यों में है। आइए हम कुछ ऐच्छिक कार्यों की बात कर लेते हैं। जिस बच्चों नगर पालिका के अगर हम ऐच्छिक कार्यों की बात कर ले बच्चों तो नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य लोग की सुविधाएं देने का कार्य करते हैं। जैसे बच्चों बात करें नगर पालिका का सार्वजनिक सड़कों का प्रयोजन एवं उनके लिए जगह का अधिग्रहण करना, गंदी बस्तियों में सुधार कार्य करना तथा सार्वजनिक बगीचों और उद्यानों का निर्माण करना, पशुओं के लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध कराना, ये सब नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य हैं, राइट। तो चलिए बच्चों अभी हम नगर पालिका की आय के स्रोत की बात कर लेते हैं। तो नगर पालिका की आय के स्रोत की बात करें बच्चों यानी नगर पालिका को आय कहाँ से मिलती है। नगर पालिका जो खर्च करती है तमाम मदों में बच्चों आपने देखा, तो आखिर में नगर पालिका को जो है आय कहाँ से होती है, तो चलिए हम देखेंगे आवास कर, राइट बच्चों। तो चलिए आवास कर प्राप्त होता है नगर पालिका को, इसके साथ ही शिक्षा कर प्राप्त होता है, इसके साथ ही जल कर प्राप्त होता है तथा बाजार कर प्राप्त होता है, साथ ही राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान। तो बच्चों इस तरह के मदों से देख सकते हैं, आवास कर की बात करें, शिक्षा कर की बात करें, जल कर की बात करें, बाजार कर की बात करें या राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान, समय समय पर राज्य शासन द्वारा नगर पालिका को अनुदान दिया जाता है। और इस सब को मिला करके बच्चों यही होते हैं नगर पालिका की आय के स्रोत, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों एक बार फिर से आप ध्यान से समझ लीजिए, नगर पालिका की आय के स्रोत की हम बात करें तो ध्यान रखिए नगर पालिका की आय के स्रोत में आवास कर, इस बच्चों तो आवास कर यानी जिसे हाउस टैक्स कहते हैं, इसके अलावा किस बच्चों शिक्षा कर यानी जो एजुकेशन सेस होता है वो, इसके अलावा जल कर, किस बच्चों जल कर यानी जो वाटर टैक्स होता है तो यो, इसके अलावा बाजार का कर बच्चों जिस जो बाजार कर होता है वो, इसके अलावा राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान, समय समय पर राज्य शासन द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। तो इस तरह से नगर पालिका की आय के ये स्रोत हैं। तो जो कि आप जानते हैं प्रत्येक नगर पालिका में एक मुख्य अधिकारी होता है, नगर पालिका द्वारा लिए गए निर्णयों का वह कार्यान्वयन करता है और उसकी सहायता करने के लिए अनेक अधिकारी होते हैं। तो बच्चों इस तरह से अगर अधिकारी आप बनना चाहते हैं भविष्य में तो आपको खूब मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। बच्चों अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई कि जैसे कूड़ा कचरा बीनने वाले को अपने घर का कूड़ा कचरा देते समय क्या आप सावधानी बरतेंगे, तो ऐसी स्थिति में जिस बच्चों जैसे हम बात करें गीले कचरे की बात करते सूखे कचरे की बात करते, तो गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग, तो जो नियम बने हैं बच्चों उनका पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ पानी की पाइपलाइन टूटने की वजह से रास्ते पर पानी जमा हो गया है तो क्या करेंगे, तो यस बच्चों अगर आपने देखा कि कहीं पानी बह रहा है रास्ते पर, कहीं किनारे आपने देखा नल टूटा हुआ है पानी बह रहा है, तो पानी का पीने का पानी अगर इस तरह से बह रहा है तो कितना नुकसानदायक है, तो बच्चों आप क्या करेंगे। यस बच्चों तो आप अभी छोटे हैं तो अपने से बड़े को आप सूचित करेंगे बताएंगे, फिर जो है यस उनकी मदद से उसे ठीक कराने के लिए यस बच्चों जिस तरह से उपाय योजना होगी, और आप फिर जो है बड़ों की मदद लेंगे और उसके द्वारा उसे बंद कराने का, जो खुला हुआ नल यहाँ वहाँ पानी बह रहा है। तो बच्चों इस तरह से जागरूकता यानी हम सबको जागरूक रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इस बच्चों
अगर आपको ये पता चले कि पानीपुरी में गंदे पानी का उपयोग किया जा रहा है तो क्या करेंगे? इस बच्चों, अगर पानीपुरी कभी आप खा रहे हैं और आपको पता चला कि पानीपुरी में तो गंदा पानीपुरी है तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों, इसकी शिकायत जो है, ये अगर आप छोटे हैं तो आप अपने घर में बताएंगे, अपने जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको बताएंगे और उनकी मदद से जो अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर पानी पूरी वाला है गंदे पानी का उपयोग कर रहा है, तो उसको इस तरह से मना करेंगे या उसे उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई जिस विभाग से मिल सकती है उसके लिए उसको सूचना करेंगे कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहा है और ये उचित बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जैसे आपने देखा कि कहीं लोग जो है नदी के पुल के ऊपर से लोग प्लास्टिक की थैली जो है किस तरह से नदी में फेंक रहे हैं, अगर कभी आपने देखा तो आप कह सकते हैं कि ये उचित नहीं है, या अगर आप देखते हैं तो आपको जानकारी है कि ये उचित नहीं है तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपने जो अभिभावक हैं उनकी मदद से आप निवेदन कर सकते हैं कि ये उचित नहीं है। ठीक है, तो किसी तरह का विवाद न हो और एक अच्छे सुयोग्य एक सुजान नागरिक होने के कारण इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रयास किया जा सकता है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और बच्चों अब हम जिस बच्चों आइए अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों पार्ट वन आज हमने पढ़ा, इस बच्चों हमने बात की नगर पंचायत और नगर परिषद की बात की, तो आइए बच्चों आज हम अब इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे और बच्चों अब हम अभ्यास करेंगे। नगर बनने की प्रक्रिया में जो गांव होते हैं वहां का प्रशासनिक कार्य, तो ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प पहचानना है और रिक्त स्थान को पूरा करके लिखना है। नगर बनने की प्रक्रिया में जो गांव होते हैं वहां का प्रशासनिक कार्य, चलिए कौन देखता है, विकल्प दिया हुआ है बच्चों, तो देखिए बच्चों आपके पास तीन विकल्प है, नगर पालिका, महानगर पालिका या नगर पंचायत, तो कौन करता है याद कीजिए, नगर बनने की प्रक्रिया में जो गांव होते हैं वहां का प्रशासनिक कार्य, इस बच्चों रिक्त स्थान दिया हुआ है, देखती है। तीन विकल्प आपके पास है बच्चों, कौन कौन ध्यान से देखिए नीचे, नगर पालिका, महानगर पालिका और नगर पंचायत। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा, तो चलिए अपना आप विकल्प बताइए, मुझे लगता है कि आपने अपना उत्तर दे दिया होगा इस बच्चों, तो सही विकल्प है नगर पंचायत, इस बच्चों नगर पंचायत यानी बच्चों तीसरा विकल्प ये सही है, यानी बच्चों नगर बनने की प्रक्रिया में जो गांव होते हैं वहां का प्रशासनिक कार्य नगर पंचायत देखती है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है, याद कीजिए बच्चों, छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है, क्या ये कथन सत्य है याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी, तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, आपने उत्तर दे दिया होगा, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए, यस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। आज बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। अगला कथन है बच्चों, नगर पालिका का चुनाव प्रतिवर्ष होता है, तो याद कीजिए बच्चों क्या यह कथन सत्य है, नगर पालिका का चुनाव प्रतिवर्ष होता है ऐसा इस कथन में कहा जा रहा है, तमाम बच्चों को याद आ गया होगा यस बच्चों, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए, तो बच्चों ये कथन असत्य है, यहां पर क्या लिखा गया है, नगर पालिका का चुनाव
प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष का मतलब हर साल होता है, हर वर्ष होता है। तो क्या नगर पालिका का चुनाव हर वर्ष होता है? ये कथन असत्य है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो बच्चों अगर ये कथन असत्य है तो उसको सत्य करके इस तरह से लिखना है, नगर पालिका का चुनाव प्रति 5 वर्ष में होता है। इस बच्चों तो यहाँ पर क्या लिखा था, नगर पालिका का चुनाव प्रति वर्ष में होता है, यानी हर साल होता है, ऐसा नहीं है। नगर पालिका का चुनाव प्रति 5 वर्ष में होता है। इस बच्चों तो आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कथन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये कथन देखिए सत्य है या असत्य है। नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगर पालिका का अध्यक्ष करता है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगर पालिका का अध्यक्ष करता है। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा। यस बच्चों, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगर पालिका का अध्यक्ष करता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, तो नगर पालिका की ओर से बच्चों अपील की जाती है, समय समय पर आह्वान किया जाता है, आह्वान पत्र बताया जाता है, अपील की जाती है। जैसे बच्चों डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए मच्छरों की पैदावार रोकिए, ऐसा कहा जाता है। पुराने टायर, नारियल की कटोरियां, पुराने खाली डिब्बे छज्जे या आसपास जमा ना होने दें, तो उससे क्या होगा बच्चों, उसमें पानी नहीं होगा, फिर वहां पर मच्छर नहीं रुकेंगे। बुखार न उतरने पर तुरंत वैद्य की सहायता लें, परिसर स्वच्छ रखें। जिस बच्चों इस तरह की सूचना दी जाती है, इस बच्चों तो इन्हें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि अभी आपने सुना बच्चों कि किस तरह से नगर पालिका समय समय पर जो है वह अपील या आह्वान पत्र इस तरह से प्रसारित करते रहते हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं आपने इस पाठ के भाग 1 को, यानी नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में, आपने पार्ट 1 अच्छे से समझ लिया है। और बच्चों पार्ट 2 की हम बात, यानी बच्चों हम महानगर पालिका दूसरे भाग में विस्तार से देखने वाले हैं। यस बच्चों, तो इस पाठ में हमने यस नगर पंचायत और नगर पालिका के बारे में हमने विस्तार से देख लिया है। और तीसरा यानी जो उसका अंतिम भाग है इस पाठ में महानगर पालिका, उसको विस्तार से हम देखेंगे पार्ट 2 में। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।